Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all of you fine at your home. So today's video, class first and second, topic is शब्द और वाक्य. आज बच्चों हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं. शब्द कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या लिखा है, वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं. हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है. बच्चों जो शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मिल से. जब हम वर्ण को आपस में मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है. लेकिन जो हम वर्ण मिला रहे हैं उनसे हमें ये भी याद रखना होगा कि उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए. ओके, जैसे फल, कमल, कटहल. ये देखिए क्या किया गया है, इनमें फाला वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया जिसका अर्थ भी दिया गया है. जैसे कि क्या है, फल से खाने की वस्तु, कमल से एक फूल तथा कटहल से एक सब्जी का पता चलता है. यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हम शब्द बनाएं उनसे किसी ना किसी का अर्थ होना ज़रूरी है. जैसे अब हम पर क्या लिखा है, अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क क्यों बने हैं, क्योंकि जो ऊपर हमने अभी शब्द बनाए हैं उन्हीं के क्रम चेंज करके लिख दिया गया. जैसे ला पहले लिख दिया गया, फा बाद में, और यहाँ पे मा कल, मा पहले का फिर ला. यहाँ पे क्या है, हा पहले टा फिर ला फिर का. तो देखिए इनसे कोई भी लफ, मकल, हट, लक, इनसे किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. तो ये जो ये शब्द हैं ये गलत हैं. ओके बच्चों, अब हम लोग शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे. वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं. ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे शब्द बनाए गए हैं. अभी हमने आप लोग को बताया ना कि शब्द वर्णों को मिलाकर हम लोग शब्द बनाते हैं. तो यहाँ पे देखिए, ना प्लस ला को मिला के नल शब्द बनाया गया है. का प्लस ला प्लस शा को मिलाकर कलश शब्द बनाया गया है. यहाँ पे ला प्लस ला, देखिए ला, ये ला है, ये ला क्योंकि इसमें बड़ा की मात्रा लगी है. टा टे प्लस ना, इन सभी वर्णों को आपस में जोड़कर क्या बनाया गया है, लांटेन. ओके बच्चों, इसी तरीके से रथ, मकान, अमरूद. ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, वाक्य. अब हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं. वाक्य बच्चों कैसे बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं. हम आपस में बहुत से वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं पाठशाला जा रहा हूँ. बच्चों ये भी हमें याद रखना है कि जो हम अभी तक हम लोग वर्णों से शब्द बना रहे थे, अब हम लोग शब्द से एक वाक्य बना रहे हैं. तो इसमें भी हमें ये याद रखना है कि जो भी हम शब्द लें उनका क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए और शब्द भी सही होने चाहिए. इसी से हमारा एक सही वाक्य बन सकता है. जैसे कि मैं पाठशाला जा रहा हूँ, इसमें सभी शब्द सही हैं और शब्दों का क्रम भी सही है. इसी तरीके से दूसरा देखिए क्या लिखा है, मैं हूँ घर जाता. तो सारे देखिए आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये शब्द जो हैं वो सभी सही हैं. इसमें गलत क्या है, इनका जो क्रम है वो गलत है. अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें, इनको सही जगह पर प्रयोग करें, तो इनसे क्या एक अच्छा सा वाक्य बन सकता है. जैसे मैं घर जाता हूँ, ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया. इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि कैसे वाक्य बनते हैं. अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि हर शब्द को आपस में जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं. यही इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, रमन प्लस सुबह प्लस सवेरे प्लस उठता है. इनके सारे वाक्य शब्द जो हैं वो सही हैं, उनसे एक सही वाक्य बन रहा है. रमन सुबह सवेरे उठता है. देखिए आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से ये सब दिए गए. अब हम लोग वाक्य की परिभाषा भी जानेंगे क्या होती है. शब्दों का क्रमवर समूह जिसका कोई अर्थ होता है वाक्य कहलाता है. वाक्य की बच्चों क्या परिभाषा होती है, शब्दों का क्रमवर समूह जिसका कोई अर्थ होता है वाक्य कहलाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.